हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर का क्या कंसेप्ट होता है, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में। जब भी हमें कंडीशन के बेस पर कोई वैल्यू दिखाना होता है तो इसको हम यूज करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को, जिसे कुछ लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से समझिए, इसका क्या कंसेप्ट होता है, किस बेस पर इस कंडीशन को ट्रू होता है तो कौन सा वैल्यू दिखाता है, अगर फॉल्स होता है तो कौन सा वैल्यू दिखाता है। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है ये चेक करता है कंडीशन को और उसके वैल्यू पर, जो टेस्ट हो हमारा, जो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वैल्यू शो करता है, मतलब कि उसके कंडीशन के बेस पर हम कोई वैल्यू शो कराते हैं, अगर फॉल्स होता है दूसरा कंडीशन दिखाते हैं। जैसे आप इफ एल्स कंडीशन में आप देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये टेस्ट है, यहाँ पर हम कोई कंडीशन डाल रहे हैं, ठीक है? अगर इसका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला वैल्यू दिखाएगा, ठीक है? अगर फॉल्स हुआ तो ये दिखाएगा। इफ इसमें क्या होता था, इफ के अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है कि अगर वो ट्रू होता है तो इफ के ब्लॉक का वैल्यू दिखाता है, नहीं तो इल्स वाला वैल्यू दिखाता है। उसी तरीके से इसमें अगर ट्रू हुआ तो ये दिखाएगा, नहीं तो ये इल्स वाला ये दिखा देगा, ठीक है? टेस्ट में हम कोई कंडीशन लगाते हैं, ये एक्सप्रेशन वन तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी दिखेगा जब ये टेस्ट ट्रू होगा, ठीक है? एक्सप्रेशन टू तब दिखेगा जब ये टेस्ट फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि दोनों ही केस में कोई एक वैल्यू दिखेगा जरूर, ठीक है? तो ये कंडीशन के बेस पर काम करता है। तो चलिए इसे एग्जांपल करके देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा डेमो डॉट टी एस फाइल है जहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया वायर ए, ठीक है? इसको हमने क्या कर दिया, नंबर टाइप के बना लिया, ठीक है? और इसमें मैंने डाल दिया 10, ठीक है? इसके बाद हमने ले लिया वायर बी लिया, इसको भी हमने नंबर टाइप के बना दिया और इसमें हमने डाल दिया 5, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक वायर लिया हमने रिजल्ट, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ए ग्रेटर देन बी, इसके बाद मैं लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। अगर ये ट्रू है, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है? इसका अगर वैल्यू ट्रू आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो दिखेगा। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? और नहीं तो यहाँ पर कॉलन लगाइए अगर ये ट्रू नहीं होता है, अगर, ठीक है? कॉलन लगाने के बाद जो लिखेंगे कंडीशन फॉल्स होगा तो दिखेगा, ठीक है? आप लिख लिया मैंने बी ई, या फिर आप या लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। अगर मान लीजिए ट्रू नहीं हुआ, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब क्या कि ए ग्रेटर है, ये ट्रू हो जाएगा तो ये दिखा देगा। अगर ये ग्रेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, मतलब कि बी ग्रेटर है इससे, ठीक है? या इक्वल टू के लिए हम अलग से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि ए इज लेस देन बी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इतना कर दिया। अब इसको कंसोल में कराएंगे प्रिंट रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप रिजल्ट को अगर प्रिंट कराते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, अगर ए में 10 है, बी में 5 है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो क्या दिखेगा, ये वाला वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है? चलिए एक बार कंसोल करके देखते हैं, फिर अपोजिट करके भी देखेंगे। इसको हमने क्या कर दिया, कंपाइल किया। इसके बाद हम डेमो डॉट टी एस फाइल में चलते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट क्लिक करके हमने इंस्पेक्ट किया एलिमेंट, इसके बाद हम कंसोल में गए, देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ट्रू हो गया कंडीशन। अगर मान लीजिए हम बी को 50 कर दिए तो अब ये क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, तब ये वाला वैल्यू नहीं दिखेगा, अब ये कॉलन के बाद वाला वैल्यू दिखेगा, ठीक है? इसको हमने सेव किया और कंपाइल किया इस तरीके से, ठीक है? इसके बाद हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर आइए, अब रिफ्रेश कीजिए, क्या गया, ए इज लेस देन बी, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये टर्नरी ऑपरेटर है, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये क्या करता है, किसी कंडीशन के बेस पर वैल्यू को दिखाता है। देखिए इसके लेफ्ट साइड में कंडीशन रखा जाता है, ठीक है? यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, उसके बाद इसके राइट साइड में दो एक्सप्रेशन रखे जाते हैं, एक तो इसके जस्ट बाद वाला एक्सप्रेशन ट्रू
कंडीशन ट्रू होने पर हम दिखाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर फॉल्स होता है तो कॉलन के बाद वाला वैल्यू दिख जाता है, ठीक है। मतलब कि ये ट्रू हुआ तो ये दिखेगा, ये फॉल्स हुआ तो ये दिखेगा। कंडीशनल ऑपरेटर का ये कंसेप्ट होता है। इस जिस तरीके से हम इफ में करते थे, इफ ट्रू होता तो इफ ब्लॉक दिखता था, नहीं तो इल्स ब्लॉक दिखता था, उसी तरीके से ये भी काम करता है वन लाइनर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर समझाया है कि टेस्ट यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है तो एक कंडीशन हो गया, टेस्ट की जगह पर आप कंडीशन भी लिख सकते हैं। अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन वन दिखेगा, नहीं तो एक्सप्रेशन टू दिखेगा फॉल्स होने पर। वो हमने इस तरीके से लिख भी रखा है कि एक्सप्रेशन टू तभी दिखेगा जब इस कंडीशन इज ट्रू, अगर एक्सप्रेशन टू तभी दिखेगा जब कंडीशन इज फॉल्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर का क्या कंसेप्ट होता है। इसी को आप टर्नरी ऑपरेटर के नेम से भी जानते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूं कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेज चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।